पाकिस्तान जिम्बाब्वे की, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। तो वो चेंजिंग ये है कि आज हमने 4 बॉलर खिलाने हैं। बॉलर का नाम था शाहीन फरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और वसीम जूनियर को आज उन्होंने मौका दिया है। हैदर अली या आसफ अली को इन दोनों में से या बैठेंगे, और बहुत ज़्यादा लोग या आसफ अली को आज इन दोनों में से ड्रॉप होगा, या उधर से नवाज़ या शदाब में एक स्पिनर। और मेरा मानना है कि यार स्पिनर ना ड्रॉप हो, इन दोनों में से एक खिलाड़ी बैठ जाए, या ये दोनों है तो पावर हिटर हैं, तो अगर नवाज़ में या शदाब से बैठते हैं तो हमारा एक स्पिनर कम होगा। बाकी ये कि फ़ख्र ज़मान के हवाले से बात ये है कि फ़ख्र ज़मान इंजर्ड था, और बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि यार वो उसको मौका मिलना चाहिए, पर उसको मौका नहीं मिला क्योंकि वो इंजरी की वजह से वो टीम में नहीं आ सकता और अपनी वो रिकवर कर रहा है। बाकी ये है कि बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम, यार आज हमने तकरीबन तकरीबन हमें उन्हें 100 या 150 रन से तो हराना चाहिए। हमारा रन रेट ज़्यादा हो जाए, रन रेट से हला हा से मुझे लगता है कि हम आगे जा सकते हैं, तो रन रेट ठीक ठाक होना चाहिए। बाकी ये कि लव यू ऑल पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 4 बजे आज मैच शुरू हो जाएगा, तो आप सब ने कमेंट में राय बतानी है कि क्या आज का मैच पाकिस्तान को किस तरह जीतना चाहिए या क्या करना चाहिए, इसमें चेंजिंग जो थी वो सही है या गलत है। बाकी ये कि 4 बॉलर होंगे, पिछले मैच में ये था कि यार इनके पास बॉलर नहीं था, बॉलर की कमी की वजह से हम मैच भी हारे और 9 बॉल का इशू बना, वो बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं ठीक है, बहुत ज़्यादा कह रहे हैं नहीं ठीक। बाकी वो उनको ICC ही जानती हो, हम तो नहीं जानते। बाकी ये बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान।